एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्यार की कहानी को हम सभी ने मजबूत होते देखा है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में जब इन्हें एक साथ काम करने का मौका मिला, तब से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में रंग गए और 6 सालों तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहे। और 6 साल तक रिश्ते में रहने के बाद साल 2018 में इटली के कोमो लेक में इन दोनों ने शादी रचाई। इनका प्यार इतना गहरा है कि कई बार इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलकता रहता है। वहीं रणवीर पब्लिक प्लेस पर भी दीपिका के लिए अपना प्यार हमेशा दर्शाते रहते हैं और वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं इस बारे में हाल ही में रणवीर ने फेमिना को दिए अपने इंटरव्यू में बताया। इन एक्टर्स को अक्सर अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, जिस कारण पद्मावत एक्ट्रेस एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, जिसके बारे में रणवीर ने बताया कि लंबे समय के बाद जब वो अपनी पत्नी से मिलते हैं तब वो अपनी पत्नी को पकड़कर किस करते हैं और गुंडे एक्टर की इस बात को सुनकर उनके फैंस पागल हो गए हैं। जहां एक फैंस ने खुश होकर कहा है कि इस बात के लिए वो उन्हें किस करना चाहती हैं। वैसे अपनी दिल की बात को रणवीर हमेशा से ही खुलकर जाहिर करते हैं। इसके अलावा अपने इस इंटरव्यू में सिम्बा एक्टर ने ये भी बताया कि करण जौहर की फिल्म तख्त में अपने किरदार को निभाने के लिए वो बेहद उत्साहित हैं और वो इस फिल्म में अपने रोल को यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं अभी रणवीर सिंह कबीर खान की फिल्म 83 में काम कर रहे हैं, जहां दीपिका पादुकोण उनकी पत्नी का रोल निभाती दिखेंगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।